नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवेश शर्मा फिर से हाजिर हूँ पीएसएल की एक नई और ताजी अपडेट लेकर। दोस्तों तो दोस्तों इस वीडियो को आप लास्ट तक पूरा देखें, और अगर आप पहली बार इस वीडियो पर आए हैं, इस चैनल पर आए हैं दोस्तों, तो वीडियो के नीचे आपको एक ऐसा लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दिखेगा, इसे दबा के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में एक घंटी वाला आइकन भी दिखेगा, इस आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे दोस्तों। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। और साथ में दोस्तों आपको बता देना चाहता हूं कि जो 2500 रुपए तक का जो रिफंड की प्रक्रिया शुरू हुई है, वो सारी देन इन्हीं संस्थाओं की वजह से हुई है, क्योंकि ये संस्थाएं अगर आंदोलन नहीं करती तो ये सारा काम ठंडे बस्ते में पड़ जाता। तो दोस्तों आगे का पैसा भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा, तो इन वीडियो को आप लास्ट तक पूरा देखते रहें और इन संस्थाओं का साथ देते रहें दोस्तों। नमस्कार साथियों, मैं मुकेश कुमार, आज मैं तमाम दोस्तों के साथ में गुजरात के पालनपुर पुलिस स्टेशन है, जो गुजरात के बनासकांठा उसका जिला मुख्यालय पालनपुर है, और वहाँ हम लोग तमाम इन लोगों के खिलाफ FIR कराने आए हैं जिनके नाम से प्रॉपर्टी है, भले उसमें तेजेंद्रपाल सिंह चेन्नी हो या फिर पाटन का केसी असोडिया हो। हमने 39 लोगों के खिलाफ FIR की कंप्लेन लेके आए हैं, और तमाम इनके साथ में ये सबूत भी लेके आए हैं जो आज हम लोग पुलिस स्टेशन में देने आए थे। और पुलिस स्टेशन में जो बड़े साहब बैठते हैं, वो उन्होंने बोला है कि आप मेरे को ये टोटल डॉक्यूमेंट दीजिए, मैं श्रीमान SP साहब के साथ बैठ के और उसका अध्ययन करूँगा। और इन्होंने लगभग 7-8 दिन का नाम लिया है, तो हम लोगों ने हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनके नाम की उनके जो फोटोकॉपी है वो हमें ये करवाई है, और हम लोग ये पुलिस स्टेशन में देने वाले हैं। और ये है पालनपुर का पश्चिम पुलिस स्टेशन, जिसमें आज हम लोग FIR की करवाने हैं। मेरे साथ में तमाम साथी हैं, 50-60 लोग जो हैं, सिग्नेचर भी किया है। सबकी यही वेदना है कि कहीं ना कहीं पैसा अपने को मिल जाए तो अपने काम सिद्ध हो जाए, अपने ग्राहकों का पैसा मिल जाए तो उनके कहीं ना कहीं उनके काम आए। लेकिन ऐसे हरामखोर हैं जो अपने नाम से प्रॉपर्टी करके बैठे हैं, उनकी कहीं भी आज भी ऐसी नीयत नहीं है कि अपना पैसा मिले, क्योंकि वो लोग अगर ऐसा चाहते तो कम से कम अपने नाम से तो प्रॉपर्टी नहीं करवाते वो। तो अपने को पूरे भारतवर्ष में सबको एकजुट होना पड़ेगा, इकट्ठा होना पड़ेगा। अगर नहीं हुए तो जैसे 4 साल निकल गई है, ऐसे 40 साल और निकल जाएगी। तमाम मेरे साथी हैं जो दूर दूर से आए हैं, सुबह से बेचारे कुछ खाना पीना भी नहीं किया है, ऐसी स्थिति में ऐसे काफ़ी लोग हैं जो किराया भाड़ा भी किसी से उधार लेके आए हैं, बेचारे जिनके 2 रोटी का तकड़ा जुगाड़ नहीं बैठता है, आज बेचारे वो भी अपना टाइम निकाल के अपनी मजदूरी छोड़ के और अपने साथ में सहयोग दे रहे हैं। तो मेरे साथ में काफ़ी लोग हैं, तो अपने चाहते हैं कि उनका भी स्टेटमेंट लें। सर आपका नाम क्या है? PC चौधरी जी। अपने थोड़ा आप बताइए कि प्रशासन है, जो भी नेता लोग हैं या पुलिस प्रशासन है या फिर तमाम जो भारत के अपने साथी एजेंट साथी हैं, निवेशक साथी हैं, उनके बारे में आप उनको क्या कहना चाहेंगे? उनके बारे में ये कहना चाहते हैं कि सब आसपास, मैं कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया गरीब के लिए जी, तो उसने जो आश्वासन क्या 41,000 का जी पास होना चाहिए जी, क्योंकि वो एक साल में देना चाहता है जी, तो एक साल में देना चाहता है तो वो अच्छे से अच्छा प्रस्ताव है जी, तो वो स्वीकार करना चाहिए। और उसी से ज्यादा अच्छा प्रस्ताव आता है कि 6 महीनों में देने वाले हैं, तो वो प्रस्ताव बिल्कुल सही बात है सर, पहला वो पास करना चाहिए जी। अपने तो ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी पैसा ब्याज के साथ मिल जाए, ब्याज साथ गरीबों का पैसा जल्द से जल्द मिला जाए, वो ऑफिसों द्वारा मिल जाए, क्योंकि अपन लोग हैं वो नहीं जानते ऑनलाइन कि कैसे होता है कैसे नहीं होता है, ऑफिसर थ्रू पैसा जल्द से जल्द आना वो सही बात है। अगर अपना चुटनी पहला 2019 पहला 2018 के एंड में पैसा पहले मिलना चाहिए, वरना पैसा नहीं मिला तो वो आक्रोश में है, तो भाजपा को वोट पहले भुगतान फिर बाद में वोट। सही बात है करेंगे नहीं, लेकिन सब वोटिंग नहीं करेंगे। अखा भारत में यही जागरूक चल रहा है, और सबको एक ही सवाल करना पड़ेगा कि पहले भुगतान फिर में बाद में वोट मतदान करेंगे। सही बात है सर। ओके थैंक यू सर। सर आपका नाम क्या है?
मैं अंसार जी प्रजापति जी डीसा राणपुर मेरा गांव है, बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट है जी। अभी मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि हमने 8 तारीख मतलब कि आज से 10-12 दिन पहले हमने एक आवेदन दिया था, वो भी TSP सर को दिया था, और तब भी हमने बताया था कि सर जी ये बहुत बड़ा मैटर है और इसके अंदर कई सारे हमारे जैसे निवेशक है वो कई सारे परेशान हैं, तो आप ये हमारी वेदना समझिए और उसके लिए हम आपको प्रशासन की ओर से कुछ सपोर्ट कर सकते हो। और हमने तब ऐसा भी बोला था सर जी ये जो कंपनी के जो हमने जो नाम लिखे अंदर वो कंपनी के कोई डायरेक्टर है, कोई MD है, कोई कंपनी के अधिकृत कार्यकर्ता है, और कंपनी के अंदर जो जो रहते थे उन लोगों ने अपने नाम, हम लोगों ने जो पैसा PACL में निवेश किया था वो पैसा हमने PACL कंपनी को दिया था, लेकिन कई लोगों ने ऐसा PACL का निवेशकों का पैसा अपने खुद के नाम पे जमा करवा लिया और खुद के नाम की प्रॉपर्टी ले लिए, तो ये बहुत कानून के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है। इसीलिए हम यही कहना चाहते हैं कि जो लोग जिसने भी गद्दारी की उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए, क्योंकि ये पैसा PACL कंपनी को दिया था, नहीं उनको जमीन खरीदने के लिए। हमारे यहाँ गुजरात के अंदर भी कितने ही सारे इतने लोग हैं वो मुझे भी पता नहीं कितने सारे लोग निकलेंगे, लेकिन हमारे पास तो एक दो इंसान का ही प्रूफ आया हुआ है और दो के डॉक्यूमेंट हमारे पास में, ये हमने उसके अंदर जोड़ दिया है, उस कनुभाई चतुर्पे आसेड़िया पाटन का है, उसके पास 225 बीघा जमीन है, वो डॉक्यूमेंट हमने आज पुलिस स्टेशन के अंदर देने के लिए आए, और यहाँ पर सर ने ऐसा भी बोला कि हम भी आपका सपोर्ट करेंगे लेकिन आप उसके साथ सब एविडेंस लगाइए, तो हमने एविडेंस के लिए करीबन 500 पेज अंदर जोड़े हैं, वो हम एविडेंस के साथ यहाँ पर देने के लिए आए कि हमारे साथ ये बेईमान, हमारे साथ ये अन्याय हुआ है और हम अत्याचार कब तक सहते रहेंगे, क्योंकि अभी किसी का लड़के का शादी था वो भी रुक गया, किसी के बेटी की पढ़ाई थी वो भी रुक गई, इसीलिए हम प्रशासन के यही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द उसके ऊपर कार्रवाई की जाए, वरना ये कार्रवाई नहीं होगी तो शायद हम गांधी जी मार्ग के ऊपर आंदोलन करेंगे, और ये आंदोलन करेंगे इसके बाद जो भी शासन या प्रशासन सबकी जिम्मेदारी रहेगी, क्योंकि अभी सिर के ऊपर पानी चढ़ गया है, अभी कोई निवेशक ये नहीं देख रहा है कि भाई हमारा क्या होने वाला है, कई निवेशक तो आत्महत्या कर चुके हैं और कई निवेशक अभी गांव के अंदर संबंध भी बगाड़ चुके हैं, इसीलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं और हमारी एक ही प्रार्थना है कि कानूनी तौर पर जो भी डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा वो हम सब देने के लिए तैयार है, लेकिन हमारा निवेशकों का पेमेंट जल्द से जल्द मिले और जिन लोगों ने गद्दारी की है उन लोगों को जल्द ही सजा मिले, वही हमारी एक प्रार्थना और हमारा निवेदन है। धन्यवाद। अस्तु जी। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम वाघाती रूपाजी प्रजापति गौड़ जी। आप एक क्या कहना चाहेंगे? हमें हमारा पलसमा पैसा रोकण पड़ा थे शायद जी, इतने घना वर्ष थो पर पैसा पलिस कंपनी आपका न थे बराबर, तो हमारे गरीब छोकरा ने खावा माटे, कोई बिजारो लावा माटे, कोई तेल पूरवा माटे, कोई हमारी हालत नहीं, अने हमारे के भी जीवू अने कंपनी में अमे घनी बार आवा छो, वहीं आवा छो, दिल्ली जाओ, अहमदाबाद जाओ, राधनपुर जाओ, पाटन जाओ, पर कोई सरकार ने बीजू कोई अमरा पैसा कोई अभलती नहीं, अमरा पैसा कोई मरता नहीं, अमार के रीते जीवू ए माटे सरकार अमारी आनी सुविधा करे जी। सही बात है सर। हाँ। देखो सर, ये साथियों बताता हूँ, ये सर है तो इनको हिंदी नहीं आती है, लेकिन इनकी तकलीफ ये है कि इनकी कोई तकलीफ सुनता नहीं है, चाहे सरकार हो चाहे कोई भी हो, काफ़ी जगह धक्के खा चुके हैं अपने पैसे के लिए, लेकिन इनका आज तक कोई समस्या समाधान नहीं हुआ है। मैं आपको बता दूं, इनकी बच्ची की शादी होने वाली है और इन्होंने जो पैसा PACL ने लगाया था वो स्पेशली बच्ची की शादी के लिए लगाया था कि जिस टाइम अपने बच्ची की शादी करेंगे तो ये पैसा अपने काम आएगा, लेकिन आज 4 साल से इनका पैसा डूबा हुआ है, तो बच्ची की शादी अटकी हुई है। इसका सबसे बड़ा गुनहगार कौन है? सबसे बड़ा गुनहगार ये हरामखोर है जो लोग अपने नाम से प्रॉपर्टी करके बैठे हैं, और वो निर्मल सिंह भंगू हरामखोर है जिन्होंने अपना पैसा डुबाया। जी सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है बाबू भाई दर्जी, मैं बनासकांठा गुजरात राज्य से आ रहा हूँ। मेरी प्रॉब्लम है ये है कि PACL कंपनी में जो मैंने निवेश किया था तो मेरे लड़के की पढ़ाई के लिए और लड़के की शादी के लिए किया था, तो अभी 4 साल से जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फरवरी 2016 को आदेश दिया था तो अभी 2.5 साल हो गई, तो अब जो पैसा नहीं मिलने वाला, इसीलिए हम वहाँ जो पुलिस स्टेशन जो पालनपुर पुलिस स्टेशन है वहाँ हम आए हैं, पश्चिम पुलिस स्टेशन पे आए हैं, तो हम ये हमारी ये रिक्वेस्ट है कि उनके ऊपर जो गद्दारों के नाम पे प्रॉपर्टी है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, यानी हमारा गरीब लोगों का पैसा दिलावे। हम गरीब इतने गरीब है कि हमारे 2 टंकी रोटी भी हमको नहीं मिलती है, हम परेशान हो गए हैं,
हम कितनी बार धक्का खा गए अहमदाबाद दिल्ली बॉम्बे सेबी की ऑफिस बॉम्बे में और अहमदाबाद की सेबी की ऑफिस में गए तो भी हमारा कोई सुनता नहीं है। हमारी जो गवर्नमेंट सरकार है वो भी हमारी कोई सुनती नहीं है। हमने उन्होंने भी जो आवेदन दिया था कितनी बार दिया तो हमारी कोई सुनते नहीं है। जो हम इधर आज आए पहले हमने 20 तारीख को जो SDM SP और कलेक्टर को जो विज्ञापन दिया था तो उन्होंने बोला था कि आप 8-10 दिन में आओ, हम तो आपकी रिक्वेस्ट बढ़ेंगे और उसके ऊपर FRI करेंगे, तो उन्होंने कुछ सुना नहीं। आज भी हम इसीलिए आए, कितनी बार हम धक्का खा रहे हैं पर हमारी कोई सुनता नहीं है। इसलिए आपके ये रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द हमारा गरीब लोगों का पैसा मिले, ऐसी कृपा करें। जय हिंद जय भारत। सर आपका नाम क्या है? गिरी प्रजापति जी, आप क्या कहना चाहेंगे पुलिस प्रशासन और जो भारत की जो गवर्नमेंट है उससे क्या कहना चाहेंगे आप? हम कहना चाहते हैं कि जो PSL कंपनी थी जो 32 साल से चल रही थी, 32 साल तक सरकार को कंपनी गलत नहीं लगी और 3 साल में गलत हो गई और कंपनी को बंद करा दिया। सरकार ने नहीं सोचा कि इस कंपनी में गरीब निवेशकों का कितना पैसा रुका हुआ है और एक जाट के बंद कर दी। अगर बंद करनी थी तो पहले निवेशकों को पैसा देना था फिर बंद कर दी। आज लोग कितने परेशान हैं, किसी के घर में शादी है, किसी की पढ़ाई रुकी हुई है और जो रिश्तेदार है वो एजेंट पे हमला कर रहे हैं और धमकी दे रहे हैं कि हम क्या करें। हम एजेंट लोग अब आत्महत्या करने पर तुले हुए हैं, आज हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। तो हम सरकार से निवेदन करते हैं कि हमारा जल्दी से पैसा निकलाओ और लुढ़ा कमेटी पर दबाव डालो। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है तो फिर किस बात की देरी है? जय हिंद जी। साथ साथ में साथियों मैं बताना चाहूँगा कि लोढ़ा कमेटी है उस पर दबाव डालना है, लेकिन जो कम से कम 5,000 लोग हैं जो अपने नाम से प्रॉपर्टी करके बैठे हैं उन पे कार्रवाई तो करनी चाहिए, क्योंकि अगर उन पे कार्रवाई नहीं करेंगे तो ये लोग इन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और कहीं ना कहीं ये दूसरे लोगों को शिकार बनाएंगे दूसरी कंपनी के माध्यम से, और वो भी आज अपने जैसे पीड़ित हैं उस तरह से वो भी पीड़ित रहेंगे। तो एक ऐसी मिसाल बननी चाहिए कि भविष्य में हिंदुस्तान में ऐसे करप्ट और हरामखोर नालायक काम ऐसे गद्दार पैदा नहीं हुए तो जो गरीब लोगों का पैसा खा के बैठ जाएं और उनको कोई फीलिंग भी ऐसा नहीं हुआ है, उनको कोई शर्म नहीं है, तो ऐसे एक मिसाल बन जाए। मैं ऐसी कामना करता हूँ पुलिस प्रशासन से कम उन पे खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाए, उनको कड़ी सजा दी जाए ताकि गरीब लोगों जो आज काफ़ी लोग हैं सुसाइड कर चुके हैं कम से कम उनकी आत्मा को शांति मिले, ऐसी कार्रवाई जरूर की जाए। जय हिंद जय भारत। बोलो सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम AP प्रजापति है, मैं बनासकांठा गुजरात। अमृत भाई प्रजापति। अमृत भाई प्रजापति। ओके। जो अभी प्रपोजल डाला है सेबी वालों ने ऑनलाइन में, जो जिन लोगों ने बायरों ने प्रपोजल डाला है, इसमें जो 41,000 करोड़ का प्रपोजल है सबके लिए सही है और एक साल का वो डेट बता रहा है कि एक साल में पैसा देने के लिए तैयार हूँ। इससे जो ज़्यादा किसी का प्रपोजल आता है और टाइम पीरियड कम होता है तो इनका प्रपोजल पास करने के लिए कमेटी को रिक्वेस्ट करते हैं। और आज पूरे भारतवर्ष में सब लोग एक मैटर से पीड़ित है, परेशान है और किसी का काम होता नहीं है पेमेंट के वजह से, सब लोग पूरी तरह परेशान है और यहाँ हमारे बनासकांठा में भी ऐसी परिस्थिति हो गई है। जय हिंद। सर आपका नाम क्या है? अशोक कुमार देवड़ा दिशा से। जी सर, मैं PSL में पैसा भरा हुआ है, 4 साल से लगातार परेशान हूँ, अभी तक पैसा मिल नहीं रहा, सरकार कोई सुन नहीं रही और सरकार से वजह से सरकार हम ऐसे भी बड़ी बड़ी बात करती है तो सरकार ये आम पब्लिक अभी बेरहमी से मर रही है। जल्द से जल्द चार पाँच एजेंट है जो भी आत्महत्या कर चुके हैं पैसे की वजह से, कोई अभी सुबह सुबह खाना पीना कुछ नहीं है, अभी कोई बेटी की शादी है तो उसका पैसा नहीं मिल रहा, किसे शादी की है और ग्रेजुएशन की वजह से कोई लड़का लड़की पढ़ाने की कोई फी भरनी है तो बहुत परेशानी है। 4 साल पैसे भरा हुआ है और मेरी मेजोरिटी पूरी हो गई है, अभी तक पैसा मुझे नहीं मिल रहा और अभी पल्स का जल्द से जल्द मुझे सरकार के आदेश करे, सरकार नोट बंद करती है 60 साल में 50 दिन में नोट बंद करके भी दे सकती है तो हमारा PSL के मैटर में क्यों नहीं दे सकती, क्या सरकार
नहीं सुन रही कि ना कोई परेशानी है कि कोई सरकार को तकलीफ होती है। और पार्लियामेंट में जो बैठे थे कल भी, वो पार्लियामेंट में मुद्दा उठाया था, और हमारा सांसद यहाँ का बनासकांठा का जो हरीश भाई चौधरी है, वो उसने चुपचाप बैठे बैठे सुना, तो वो भी सुन नहीं, बोलना नहीं। उसके वजह उसके पास मैंने आदेश दिया था कुछ, तो PSL का जल्द से जल्द मुझे पैसा दिलवाए, ऐसी उम्मीद रखता हूँ। जय हिंद सर। ये है योगेश जी पटेल, गुजरात के IAS हो गए, AIS हो गए प्रेसिडेंट। सर योगेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या स्टेटमेंट देना चाहेंगे गवर्नमेंट को और पुलिस प्रशासन को? आज पूरे भारत में पिछले लगातार 4 साल से, जब से ये मामला PSL कंपनी बन हुआ है तब से लेके आज तक, जो निवेशक है और जो कार्यकर्ता है, पिछले 3 साल से लगातार इधर उधर, चाहे विधानसभा धारा सभ्य हो, संसद सभ्य हो, चाहे पुलिस थाना हो, चाहे जंतर मंतर हो, चाहे सेबी ऑफिस हो, लगातार अपने PSL के जो पैसा डाला है उनको वापस लेने के लिए इधर उधर भटक रहा है। आज पूरे हिंदुस्तान में निवेशक अपने जो काली मजदूरी का जो पैसा लगाया था, आज पूरे खुद के पैसे लेने के लिए आज पूरे हिंदुस्तान में भटक रहा है। मैं तो यही चाहता हूँ, आज प्रशासन हो चाहे सरकार गवर्नमेंट हो, उनको मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर 2/2/2016 में दे दिया था कि भाई निवेशकों को प्रॉपर्टी बेच के लोगों का पैसा दिया जाए। आज 3 साल हो गया मगर एक भी रुपया एक निवेशक को नहीं मिला है। अभी भी मैं यही मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द जो भी आज मार्केट में बहुत सारी कंपनी या PSL की ऑल प्रॉपर्टी खरीदने के लिए तैयार है, तो फिर आप क्यों नहीं देते हो? क्या निवेशकों का पैसा देने के लिए आप नहीं तैयार हो, देना ही नहीं चाहते क्या है? आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने भी 15 अगस्त को अपने भाषण में दिया कि मैंने 3 लाख कंपनियां बंद कराई जी, बंद कराई, उसका मैं स्वागत करता हूं। मगर जिन लोगों ने निवेश किया था, जिन लोग काम कर रहे थे, आज वो बेघर हो गए हैं, उनका क्या, उनका क्या कसूर था? उन लोगों ने भी पैसा क्यों डाला था कि उन्होंने भी गवर्नमेंट के दिए हुए जो कंपनी को प्रमाण पत्र दिए देखे थे कि भाई हमारी कंपनी इस संस्था से रजिस्टर है। PSL कंपनी की बात करूं तो आज 3 राष्ट्रीय 3 अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड दिए थे। कंपनी का जो जो बड़ा फंक्शन होता था वहां पे अपने BJP के ही मैन कार्यकर्ता, मैं नाम नहीं लूंगा, मेरे पास विद प्रूफ है कि वो लोग उद्घाटन में आते थे, उन लोगों को देखकर हमने पैसा लगाया था। आज वो लोग क्या कर रहे, आज जो बड़ी बड़ी वहां पे जो कैबिनेट में बैठे है उन लोगों को भी PSL के साथ एक रिश्ता था। आज निवेशक पूरे भारत के 6 करोड़ निवेशक, 80 लाख कार्यकर्ता बेरोजगार हुए हैं। तो मैं यही चाहता हूं कि 2019 के चुनाव के पहले यदि निवेशकों का पैसा नहीं मिला तो हम ये जो अभी जो सरकार है, मौजूदा सरकार है, उनको हम वक्त नहीं देंगे। पहले भुगतान फिर मतदान, पहले भुगतान फिर मतदान, पहले भुगतान फिर मतदान, पहले भुगतान फिर मतदान। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी। आज योगेश जी AISO को राष्ट्र जो गुजरात के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने हमारा सपोर्ट किया बिना बैनर के, आप हमारे साथ में, क्योंकि हमारा कोई संगठन नहीं है, हमारे साथ में आप कदम से कदम मिला के हमारा सहयोग कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों जल्दी से इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने बाकी साथियों के साथ, और बने रहिए वेबवर्क वर्ल्ड के साथ सबसे पहले लेटेस्ट न्यूज पाने के लिए, और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को ताकि आपको मिलती रहे PSL की ताजा जानकारियां, और इस घंटी वाले आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और दोस्तों आपके फोन में होगा व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप, तो उनमें शेयर कीजिए इस वीडियो को। फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए दे दीजिए इजाजत। जय हिंद जय भारत। ये जो सामने दो वीडियोस दिख रही हैं, इन पर क्लिक कीजिए और देख लीजिए।